तो स्वागत है आपको अपना इस यूट्यूब चैनल में। 15 को आ सकता है शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, रिजल्ट को लेकर आप सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तरह तरह के आप यहाँ पर डेट देखते होंगे कि 15 को, 16 को, 14 को, आखिर रिजल्ट आएगा तो आएगा कब। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सुबह का एक न्यूज़ में कि बोला गया था कि 20 तारीख तक आपका जो है रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो। जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं, सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने यह आ रही है कि 15 को आ सकता है रिजल्ट। अगर 15 को नहीं आया तो आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा, क्योंकि डेट पर डेट बढ़ती जा रही है, आखिर रिजल्ट आएगा कब। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 1.70 लाख रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते दिनों ली गई परीक्षा का रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर को संभावित है। ये भी जो है 15 अक्टूबर को जरूरी नहीं है कि आपको 15 अक्टूबर को ही रिलीज कर दिया जाएगा। ये जो है एक संभावना है कि 15 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जो है आ सकता है। सभी श्रेणियों का रिजल्ट एक साथ आएगा। एक चीज़ और यहाँ पर बिग अपडेट है, यह कि आप सभी जानते होंगे कुछ दिन पहले अतुल प्रसाद सर ने एक ट्वीट किया था कि मुझे टोटल 1634 मेरिट लिस्ट बनानी है। तो उस कंडीशन में सभी श्रेणियों का रिजल्ट एक साथ आएगा। तो बीपीएससी के एक वरीय अधिकारी ने कहा है, इसकी तैयारी जो है अंतिम चरण में है, 15 या 16 अक्टूबर को इसे निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये जो 15 और 16 अक्टूबर देख रहे हो, उम्मीद है कि यही 15 और 16 अक्टूबर को आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। उधर बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद सर ने भी गुरुवार को देर शाम ट्वीट कर रिजल्ट जल्द से जल्द निकालने की बात कही है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग पेशेंस बना कर रखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने भी बीएड स्टूडेंट है, डीएलएड स्टूडेंट है, आपस में लड़िए नहीं, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है। यह सिस्टम का वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ भी सुनवाई निकल के सामने आती है, वह बिहार सरकार क्या निर्णय लेती है, शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेती है, बीपीएससी क्या निर्णय लेती है, ये तो उनके हाथ में है। आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, जो कुछ भी आएगा सब अच्छा होगा, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और पेशेंस बना के रखिए। और उसमें उम्मीद है कि इसमें लग रहे समय की वजह से, जो वजह है इतने समय लगने का, वो यही है कि 1634 मेरिट लिस्ट एक साथ बनाया जाना बताया गया है, ठीक है ना। और जो है माह के अंत तक, एक चीज़ और है, जिनका अगर मान लीजिए इस बार नहीं हुआ या किसी का कम नंबर रह रहा है या बीएड वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए यहाँ पर बिग अपडेट यह है कि माह के अंत तक, इसी महीने के अंत में जो है रिजल्ट तो आ ही जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का एक नए नियुक्ति का विज्ञापन भी जारी किया जाएगा, जिसमें टोटल 70,000 सीट है, ठीक है। तो शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में माध्यमिक का जो है 6ठी से 8वीं, माध्यमिक 9वीं से 10वीं और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 11वीं से 12वीं के लगभग 70,000 नए शिक्षकों के नियुक्ति का विज्ञापन जो है अक्टूबर महीना के अंत तक निकाल दिया जाएगा, मतलब इसी महीना के अंत तक। अगर मान लीजिए कि इस महीना के अंत तक नहीं आता है तो नवंबर में तो खैर आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो यही था फ्रेंड्स आपके लिए बिग अपडेट, और यही सब न्यूज निकल के सामने आ रही है। तो रिजल्ट को लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट जब भी आएगी तो 15 तारीख या 16 तारीख को आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले 11 to 12 का आएगा, फिर 9 to 10 का आएगा, फिर 1 to 5 का आएगा। इस तरीके से रिजल्ट जो है आने की संभावना बताया गया है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।